मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बज गए सुबह के 9:50 और हम जा रहे हैं अब राइडिंग के लिए। तो सो के लेट उठे यार, 8:30 बजे सो के उठे एंड उसमें भी आलस करते वरते 9:30 को हम बिस्तर छुड़े। तो चलते हैं राइडिंग करते हैं, वॉकिंग आज शाम को करेंगे। तो निकलते हैं मस्त राइडिंग करके आते हैं। मौसम ठीक है अभी तो राइडिंग हो जाएगी बढ़िया। राइडिंग में हम निकल गए भाई नीराम प्यारी लेके। राइडिंग के लिए निकल गए भाई अपनी राम प्यारी उठा गए और भोलेनाथ के मंदिर से आगे आ चुके हैं हम। और अभी तो मंजिल दूर है, बस चलते चले जाना है। बढ़िया राइडिंग कर रहे हैं भाई, लेट हो रहा है काफ़ी। तो हम आ चुके हैं बाबू सेमरा, बस उस चौक तक आज जाएंगे, वहाँ से यू टर्न लेके धुरबुड़ा वाले रास्ते से होते हुए घर की ओर जो बचेंगे उसी तरफ आज चलाएंगे, इधर नहीं। फिलहाल मस्त राइडिंग। बस्ती के अंदर से भाई बाबू सेमरा में, यहाँ से आगे से मुड़ेंगे तो हमारा लोकेशन आ जाएगा धुरबुड़ा वाला। तो भाई साहब राइडिंग करते हुए हो गए 9 किलोमीटर हमें, और अभी तो हम चल ही रहे हैं, अभी 8 किलोमीटर और चलना है हमें। एंड मौसम कभी बदली कभी धूप, ऐसा ही हो रहा है। जगदलपुर है ना, कोई भरोसा निकल जैसा फिर बारिश हो सकता है यहाँ पे। तो प्री मानसून चल रहा है भाई पूरे छत्तीसगढ़ में। तो राइडिंग करते हुए ये प्रयास स्कूल वाले लाइन में, तो पूरा एक सर्कल हो जाता है भाई मस्त। ऐसे इस राउंड से निकलते हैं सीधा और गोल चक्कर काट के वापस। भाई 11.5 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे और इस ट्रैक में वापस राइडिंग कंप्लीट करने के लिए मरु का जोरा वाले लाइन में। तो कर ही लिया आगे राइडिंग, अगर अभी हम नहीं निकलते, अगर आलस कर लेते तो बड़ा दिक्कत हो जाता भाई। तो अच्छा हुआ कि हमने राइडिंग स्टार्ट कर ली। और गणपति रिसोर्ट से ही चलते हैं यार, वहाँ भैया को याद दिलाते हुए जिनको काम करना है घर में, क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है उनकी, खाली नहीं रहते हैं बिल्कुल, बहुत बिजी हैं। तो उनको एक बार रिमाइंडर दिलाने कि आज हमारे यहाँ भी काम है। तो राइडिंग करते हुए गणपति रिसोर्ट भाई मस्त, और वो जो बस खड़ी है सीजी कनेक्ट वो चालू हो गई है भाई बिलासपुर के लिए। तो बिलासपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी, अच्छी बस अब चालू हो गई इस रोड में। फिलहाल चलते हैं वो भैया के पास एंड उनको रिमाइंडर दिला के घर निकलते हैं, 11 बजने वाले हैं भाई। तो बस भाई पहुंचने वाले हैं घर। हो गई कदम भाई राम प्यारी के संग, चलते हैं मस्त, नहाते हैं बढ़िया, और फिर वो भैया वो याद दिला के आ गए तो आएंगे, तो उनके साथ कुछ सामान लेने जाना है बोल रहे थे, तो उनके साथ फिर सामान लेने चल देंगे। फिलहाल मस्त चलते हैं, नहा वहाँ के रेडी होते हैं। तो
बिट्टू हो गया, बिट्टू क्या हो गया, हो गया हो गया बिट्टू, हो गया बिट्टू, हो गया बिट्टू, आँख निकल गए, बज गए 12:30, चलते हैं पूजा वूजा कर लेते हैं बढ़िया, और उसके बाद करते हैं नाश्ता, नाश्ते में 2 बनाना एंड करके चलते हैं, फिलहाल पूजा करते हैं मस्त। भाई ये हमारे भगवान, जय भगवान जी, जय बाबा जी, मोबाइल लगाते हैं फिर से चार्ज में, या तो हो गया 92%, तो थोड़ा देर आराम कर देंगे क्योंकि शाम को वॉकिंग में जाना है 4 बजे के आसपास, तो 1 बजे गए तो 3 घंटे में फिर हमें वॉकिंग के लिए भी निकलना है, तो चलते हैं कुछ देर आराम करते हैं। भाई नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा यार, पेट भरा भरा लग रहा है, तो चलते हैं। अच्छा देखो, सेब तला गया, साबूदाना, नायलोन साबूदाना, मक्का, मूँगफली, पोहा, तैयारी बस मिक्सचर मेकिंग की। तो इसमें सबसे पहले डल रहा है काला नमक, अब डल रहा है अमचूर पाउडर, ये डल गया अमचूर पाउडर, ये डल गया, ये चाट मसाला, भाई चाट मसाला, काली मिर्च, जीरा पीसा हुआ, थोड़ा सादा नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पीसी हुई, कश्मीरी लाल मिर्च, 1 नंबर भाई। तो मट्ठी की तैयारी भाई, तो मेकिंग मट्ठी मेड बाई मम्मा जी, हल्का तेल गरम हो रहा है, तो ये मट्ठी तेल तो कम आंच में भाई इसे ऐसे तलना है, तो ये मट्ठी रेडी घर की गर्मा गर्म। ऑसम मेड बाई मम्मा जी, तो ये नमकीन कटते हुए भाई डिजाइन कुछ इस तरह, तो ये तेल में जाते हुए नमकीन बिल्कुल धीमी आंच में भाई, तो ये मट्ठी भी, तो भाई ऑसम। जगदलपुर में रोज की तरह हो गई भाई बारिश, और हम इसलिए अभी वॉकिंग में निकल रहे हैं 6:45, तो अभी तो वृंदावन लॉन जा रहे हैं, 1/2 घंटे चलेंगे, देन फिर लालबाग ट्रैक, पूरा रोड जो है पूरा कीचड़ हो चुका है भाई, तो आगे तो और ज़्यादा है कीचड़ क्योंकि उस सब काम हो रहा है, तो इधर ही चल रहे हैं 6:45 तक, देन फिर वापसी पूरा लालबाग ट्रैक। तो वॉकिंग करके हम NS30 चल रहे हैं, वृंदावन लॉन की तरफ नहीं गए, इसी तरह पूरा चलते हैं हमागुड़ा चौक तक, महाराणा प्रताप चौक, देन वहाँ से लालबाग ट्रैक पकड़ लेंगे भाई, तो नहीं गए वृंदावन लॉन क्योंकि काफ़ी पानी गिरा है, रोड चढ़ते समय पूरी फिसलन थी, और आगे भी रोड थोड़ा सा ख़राबी मिलेगा, इसलिए हम जिसी और जा रहे हैं, इधर ठीक है थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ है रास्ता। भाई वॉकिंग करते करते हमागुड़ा चौक आ चुके हैं हम, और 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग हो गई हमारी, थोड़ा सा अंदर चलते हैं गणपति रिसोर्ट वाले रास्ते में, देन फिर चलेंगे लालबाग ट्रैक वापसी, और लगभग 2.30 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे सीधे अम्बेडकर मूर्ति तक, और अम्बेडकर मूर्ति से फिर मुड़ जाएंगे उस तरफ, फिर वहाँ से यू टर्न लेके पूरा वैसे चलेंगे 5 किलोमीटर जैसे जैसे भी कर ही लेंगे, तो अम्बेडकर मूर्ति से फिर मुड़ जाएंगे, फिर पूरा जाएंगे लास्ट तक, फिर वहाँ से यू टर्न लेके फिर आएंगे ऐसा, और जैसे तैसे भी 8 किलोमीटर कर ही लेंगे भाई। तो भाई साहब वॉकिंग करते करते अम्बेडकर मूर्ति IG बंगला के सामने, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, देन यहीं से टर्न, तो 6 किलोमीटर हो जाएंगे हमारे घर जाते तक, फिर 2 किलोमीटर रह जाएंगे उसे करेंगे हम,
लगभग वॉकिंग करते 4.90 किलोमीटर और हम वापस अम्बेडकर मूर्ति से मुड़ रहे हैं इसी ओर जाने के लिए। तो यहाँ से जाते तक लगभग 6.40 किलोमीटर जाएंगे, तो 1.60 किलोमीटर फिर हमें कवर करना रहेगा। तो अभी चलते हैं बढ़िया नाथ के दर्शन भाई। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रो रहे नंदी महाराज, जय नंदी महाराज, जय जय बजरंग बली। तो भाई साहब वॉकिंग कंप्लीट 8 किलोमीटर की और हम पहुंच चुके हैं घर। बस अब चलते हैं, शूज़ उतारते हैं, थोड़ा मुंह धोते हैं और चलते हैं मार्केट की और थोड़ी देर, क्योंकि अभी हुए हैं 7:20, तो एक आध घंटे हम घूम के आते हैं, थोड़ा मौसम भी अच्छा है ना तो घूमना हो जाएगा बढ़िया। फ़िलहाल वॉकिंग कंप्लीट, अपनी मिशन कंप्लीट। मेट समोसे भाई, तो ये समोसे तेल में जाते हुए भाई, तो ये समोसे भाई, तो समोसे भाई गर्म, तो समोसे रेडी भाई, तो ये समोसे रेडी। फर्रे की तैयारी, चावल आटे से बनता है फर्रे, बस इस तरह। मौसम समोसा है भाई, पानी में फर्रे डालते हुए भाई। 10:15 और हम आ चुके हैं घर। फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, हड्डी से आ गए तो सुबह उठना है कल। फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर।